वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल ऑफ विक्ट्री डिफेंस अकेडमी बाडिडा। कल हमने कुछ मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे। देखो क्या दे रखा है हमें, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक मैट्रिक्स गिवन है बी, और हमें निकालना है 2A माइनस में 3B। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है बेटा, ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब दोनों मैट्रिक्स को किसी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, जब हम ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा भाई ये 2, 3, 1, 6, -1 और 5, और माइनस में है 3B। 3 और B हमारे पास मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1, 2, -1, 4, -1 एंड 3। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं। कल मैंने एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड भी तभी कर पाएंगे जब वो सेम ऑर्डर की होंगी, और सब्ट्रैक्ट भी तभी कर पाएंगे जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। तो ये मैट्रिक्स भी हमारी 2×3 ऑर्डर की ही है, और ये मैट्रिक्स भी हमारी 2×3 ही ऑर्डर की है। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्दर क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, 2×2 = 4, 6 और 2, फिर 12, -2 और 10। ठीक है, माइनस में 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 6, -3, 12, -3 और 9। ये बन के आ गया हमारे पास। अब इनको माइनस करना है केवल सीधा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड को सेकंड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करो। 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आएगा, 6 - 6 करेंगे तो 0 आएगा, 2 - - होके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, 12 - 12 हो जाएगा हमारे पास 0, -2 + 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, -2 और ये -, होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 10 - 9 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2A - 3B क्या निकल के आ गया, 2A - 3B, तो ये मैट्रिक्स हमारी निकल के आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़, मतलब ये थोड़ा सा हिंदी में राइट है भाई, इसको हम इफ़ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, इफ़ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू है दिस मैट्रिक्स के, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये फाइंड आउट करना है हमने। दो इक्वल मैट्रिसेस का मैंने बताया था, इक्वल भी मैट्रिक्स तभी होती है जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। x+1 और 5 है, और y+2 और 2 है। इक्वल्स टू किसके दे रखा है बेटा, 8, 5, 5 और 2। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कंपेरेबल या इक्वल मैट्रिसेस होती हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर होता है और सेकंड सेकंड से होता है। ठीक है, देखो तो x+1 यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया बेटा, 8 के, और यहाँ से y+2 किसके इक्वल आ गया, 5 के। हमें और को तो मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं, 5 5 के इक्वल है और 2 2 के इक्वल है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे x = किसके आ गया बेटा, 8 - 1 = 7। ठीक है, और y किसके आ गया, 5 - 2 = 3। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई बेटा, 7, और y की आई 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, फोर्थ नंबर ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम
ये देखो, इफ 2x प्लस वाई 3 6, x प्लस 2y इक्वल्स टू है 5 3 6 और 3, मतलब यदि हम यूं लिखना चाहें, इफ लिखो यहाँ पे, इफ देन फाइंड x एंड y, ठीक है, फाइंड आउट करना है। इसमें भी इक्वलिटी है मैट्रिसेस की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई 3 6 और x प्लस में 2y, किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 5 3 6 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, ठीक है। सिंपली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर होगा और सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से और फोर्थ फोर्थ से। तो यहाँ पे x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया बेटा 3 के। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को सोल्व करेंगे तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो भाई फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया बेटा, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ इसको, इसको मैं साफ कर रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x प्लस में 2y इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 2 5 10। और यहाँ पे क्या आया हमारे पास, x प्लस में 2y किसके इक्वल है बेटा 3 के। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये हमारे पास कंसेप्ट 10th से यूज़ होता आ रहा है एल्जेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने का। तो यहाँ पे हमारे पास आया 3x और ये हमारे पास कट गए, इक्वल्स टू किसके आया, 10 माइनस 3 करोगे तो 7। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई बेटा, 7/3, ठीक है। अब इस 7/3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ भाई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 थी, एक तो थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और एक थी हमारे पास x प्लस में 2y इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। इनमें से इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो 2 इंटू में 7/3, ठीक है, प्लस में y इक्वल्स टू किसके है 5 के, ठीक है। तो यहाँ से 14/3 प्लस में y किसके इक्वल हो गया बेटा 5 के। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आई, 5 माइनस में 14/3, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेंगे भाई 3, तो 15 माइनस में 14, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 7/3 और y की वैल्यू आई 1/3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, हमारे पास है इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 -2 3 एंड 6 और प्लस में 2x किसके इक्वल गिवन है बेटा 5 -6 -7 और 4, ठीक है। जैसे हम अपनी इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, इस साइड वाली मैट्रिक्स उस साइड जाके क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव में चली जाएगी। हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को एक साइड रखो और बाकी को उस साइड ले जाओ, 5 -6 -7 और 4,
और माइनस में हमारे पास क्या है, 1, -2, 3 एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्दर सोल्व होके क्या आई भाई, 5 में से 1 गया 4, -6 प्लस 2 -4। ठीक है, -7 -3 करेंगे तो -10, और 4 -6 करेंगे तो -2। ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यू ये आई, हमें निकालनी किसकी है बेटा, 2 की सॉरी x की। x किसकी इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 और इनटू में 4 -4, और ये हो जाएगा -10 और -2। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे जब हम इसको, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के क्या आएगा, 4 को 2 से करोगे तो 2 -2 -5 और -1। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, 2 -2 -5 और -1, हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है बेटा, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम 5th नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है भाई। हमारे पास है इफ ए इक्वल्स टू एंड बी इक्वल्स टू, दो मैट्रिसेस गिवन है एंड एक्स इज ए मैट्रिक्स सच दैट, एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, वो ऐसे है कि 3a + 4x = 5b है। तो एक बार मैं यहीं से उठा के चलती हूँ, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, आप ये करो कि 4x को इस साइड रखो और बाकी को उस साइड ले जाओ, 5b - 3a। ठीक है, अगर इसको हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/4 और 5b - 3a। अब रख दो इन मैट्रिसेस को, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, 1/4 और अंदर 5b। 5b का क्या मतलब है, 5 × (multiply) 2, 0, -5 और 1। 5b - 3, a की वैल्यू क्या, सॉरी मैंने a की जगह b को लिख दिया भाई, रुको एक मिनट। ठीक है, करते हैं इसको ठीक, सॉरी 5 × b क्या है, -2, 4, 3 और 1। 5b - 3, ए क्या है हमारा, 2, 0, -5 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/4 और अंदर करो इसको सोल्व तो आएगा -10, 20, 15 और 5। ठीक है, और माइनस में किसके है भाई, 3 × 6 = -15 और 3। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे भाई तो ये हमारे पास आएगा 1/4 और ये अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो -10 -6 क्या आएगा, -16। ठीक है, और 20 - 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 आ जाएगा, और 15 + 15 करेंगे तो ये 15 + 15 = 30 आ जाएगा। ठीक है, और आगे जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 - 3 करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 4 को और अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
अब हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 3x प्लस वाई, क्या है हमारे पास 3x प्लस वाई किसके इक्वल है 5, 0 माइनस 2 एंड 3, ठीक है। और क्या है हमारे पास 2y किसके इक्वल गिवन है, 2y किसके इक्वल गिवन है 4, 3, 1 एंड 6, ठीक है। और हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, ठीक है। तो 2y को जब हम इससे माइनस करेंगे तो पहले इसको 2y बढ़ाओ भाई, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम इसको कैंसिल कर पाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, तो करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 0 माइनस का 4 और 6, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 2y की हमारे पास वैल्यू गिवन है भाई, वो रख दो इसमें, तो हमारे पास फर्द क्या चीज़ आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 6x किसके इक्वल हो जाएगा 10, 0 माइनस 4 और 6, और माइनस में किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस साइड वाली चीज़ 2y वाली माइनस में जाएगी, 2y है हमारे पास 4, 3, 1 एंड 6, ठीक है, ये है। 10 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 6, ठीक है। ऊपर वाले को थोड़ा सा साफ कर देते हैं अब हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आया भाई 6x किसके इक्वल आ गया, 6x आया हमारा, 10 माइनस 4 करोगे तो 6 आएगा, 0 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस 4 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 5 आएगा, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आएगा। अब इस 6 को इस साइड लेके आएंगे इधर, तो मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6/6 1, और माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 5/6, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ भाई, 1, -1/2, -5/6 और 0, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं अब हम, इफ़ ए इक्वल्स टू इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कल मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, इफ़ ए इज सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है ना बेटा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 0 के, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट, 0, 1, -2, -1, 0, 3, लैम्डा -3 और 0, ठीक है, इक्वल्स टू किसके रख देंगे 0 के, ठीक है। रुको, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आया ये, ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0 इंटू में तो कुछ हो जाओ, ठीक है, तो फर्स्ट कोलन फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस का 9, और पहले प्लस फिर माइनस, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कोलन फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो 0 और माइनस का 3 लैम्डा, ठीक है, और माइनस में 2 इंटू में थर्ड कोलन फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो 3, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बेटा 0 के, तो ये तो 0 ही हो गया, और माइनस माइनस करके 3 लैम्डा पॉजिटिव हो गया, और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास 3 लैम्डा की क्या वैल्यू आई 6, ठीक है, और यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल हो गया बेटा 2 के इक्वल हो गया, ठीक है, तो हमारी लैम्डा की क्या वैल्यू आई 2 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम,
हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों सेम ऑर्डर की गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा बेटा, ए मैट्रिक्स है हमारी 2, 3, 0 एंड 3, माइनस में बी क्या है 3, 0, 3 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आया भाई 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3, 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3, माइनस 1, 3, माइनस 1, 3, माइनस 3 और 3, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ठीक है, ए और बी ऐसे ही दो मैट्रिसेस गिवन है, उनका एडिशन करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा बेटा, ए हमारे पास है 1, -2, 3, -4, 2 एंड 5, और प्लस में किसके इक्वल है 1, -1, 2, 3, 0 एंड 4, ठीक है। इनको ऐड करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, -1, -2, -1 करेंगे तो माइनस का 3, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, -4 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 1, और 2 प्लस 0, 2, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया भाई, 2, -3, 5, -1, 2 एंड 9, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे का हम कल करेंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं, ओके।